अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शेरगनी है और आप देख रहे हैं शेरगनी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना तस्वीर किसी भी तस्वीर के साथ लगा सकते हैं बग़ैर बैकग्राउंड चेंज किए और बग़ैर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए। बहुत ईजी है और बहुत ही आसान है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ईजी हमें पहले किसी ने भी नहीं बताया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये मैं आप भाइयों को ज़रूर बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा शेरगनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर साथ में बिल का आइकन आ गया, उसके ऊपर भी आप भाइयों ने क्लिक कर लेना है। बिल का आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो तब हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इत्तला मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप भाइयों ने जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख के, ठीक है, कोई भी आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बूम बूम अफरीदी, ठीक है। और आप भाइयों ने FNG हर तस्वीर के सामने आप भाइयों ने जो कोई भी आप नाम लिखेंगे तो एंड में FNG लिखना लाजमी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ पर आल है तो हम इसको इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जो तस्वीर वगैरह है वो आ चुकी हैं, शाहिद अफरीदी की। तो यहाँ पर मैं इस तस्वीर पर ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं डब्बे डब्बे हैं, ठीक है। आपने वो तस्वीर लेनी है जो पीछे बैकग्राउंड उसके इस तरह डब्बे डब्बे हो, ठीक है। अगर आपने कोई और तस्वीर इस तरह का तस्वीर लिया, जैसे कि ये तस्वीर हो गया, इसके बैकग्राउंड ये देखो काली है, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो मैंने कुछ तस्वीर ऑलरेडी सेव की हुई है, उसको अभी आप भाइयों के सामने मैं दिखा देता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, आप भाइयों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये नाम इसका आ रहा है, प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत सारी तस्वीर मैंने ली हुई है। ये शाहिद अफरीदी की एक तस्वीर मैंने ले लिया जो बैकग्राउंड इसका ऑलरेडी इसके पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है। और अब मैं कोई और तस्वीर ले लूँगा राहिल शरीफ साहब की। ये देखें, इसके बैकग्राउंड में जो है ना, ये देखें, कोई भी ग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इसके बाद यहाँ पर सेव कर ले। यहाँ पर मैं कोई और भी तस्वीर अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, मेरे पास एक कार का तस्वीर है, ये मैं लगा देता हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त और आसान इजी काम है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। एक और तस्वीर मैं टच कर लेता हूँ, कौन सा तस्वीर ले लूँ, ये मोबाइल का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपको हर किस्म का तस्वीर जो है वो मिल सकता है गूगल से, ये देखें। तो फ्रेंड्स, कितना ही आसान है और बहुत इसमें कोई मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल में जाएंगे, कोई भी नाम लिखेंगे, चाहे कार का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे कोई किसी इंसान का हो, तो आप भाइयों ने नाम लिखने के आगे FNG लिखना है और उस तस्वीर को डाउनलोड कर लेना है, उस तस्वीर को जो बैकग्राउंड जिसका नहीं होता है, ठीक है। ये देखें, ये सारी तस्वीर मैंने लगाया। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं प्लस गैलरी में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि हमारा तस्वीर जो है वो सेव हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप के जो तस्वीर हमने वहाँ सेलेक्ट की थी, ये देखें, वो तस्वीर सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब में लाइक बटन ज़रूर दबाएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ हमारे शेरगनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।